आप स्टारप्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा तो देख ही रहे होंगे, जिसमें हर एक किरदार अपनी जबरदस्त भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है और आज काफी फेम हासिल कर चुके हैं। तो वहीं अक्सर ये सितारे ऑफ स्क्रीन भी अनुपमा सीरियल के सभी सितारे मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं, जहाँ किसी के चेहरे पर शिकन तक महसूस नहीं होती और न ही कोई थकावट दिखती है। तो वहीं अनुपमा सीरियल में कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्हें आज इतनी फेम हासिल हो चुकी है, लेकिन इनके भी बहुत दर्द भरी कहानी रही है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अनुपमा सीरियल के सितारों की दर्द भरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जो आज अनुपमा सीरियल में काम करके काफी मशहूर हो चुके हैं। तो चलिए देर किस बात की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, अनिरी बजानी। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल में मालविका का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री अनिरी बजानी की। तो बता इनके लिए यहाँ तक गाना कोई आसान बात नहीं थी, इन्होंने अपने पतले दुबले शरीर की वजह से काफी ताने सुने थे, तो वहीं इन्हें साइड रोल होने का हमेशा ताना सुनना पड़ा, जहाँ अब तक ज्यादातर सीरियल में इनका साइड रोल ही रहा है। नंबर दो, पारस कलनावत। अनुपमा सीरियल में समर शाह का किरदार निभाकर आज पूरी दुनिया में फेमस होने वाले अभिनेता पारस कलनावत का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। बता दें इन्होंने यहाँ तक आने के लिए मेहनत तो बहुत की, लेकिन फिर भी ये एक साइड रोल बनकर रह गए, जिसके कारण इन्होंने शो को छोड़ दिया और अब ये झलक दिखलाजा सीजन 10 में अपने डांस का जलवा दिखाते नजर आ चुके हैं। नंबर तीन, तस्नीम शेख। सीरियल में राखी दवे का किरदार निभाती नजर आ रही अभिनेत्री तस्नीम शेख को भी अब तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहाँ कभी इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो वहीं इन्हें ज्यादातर साइड रोल ही मिला करते हैं। अनुपमा सीरियल में भी इनका साइड रोल है, इसकी वजह से इन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही जितनी की मेन लीड एक्ट्रेस को मिलती है। नंबर चार, पायल नैयर। सीरियल में पारुल शर्मा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री पायल नैयर ने भी इस सीरियल में साइड रोल का ही सामना किया है, जहां इन्हें कई बार रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा तो वहीं इन्हें काफी लोगों के ताने भी सुनने पड़े, क्योंकि कभी भी इनका मेन लीड रोल नहीं देखने को मिला, जहां इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ आज भी साइड रोल में है। नंबर पांच, अनागा भोसले। सीरियल में नंदिनी का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री अनागा भोसले भी अब तक हमें साइड रोल में ही नजर आई थी, जिनके इस साइड रोल में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और ये महज एक साइड रोल बनकर रह गई और कई बार तो इन्हें इसके लिए भी ताने भी सुनने पड़े थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनागा भोसले एक्टिंग से संन्यास ले चुकी है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। वेल दोस्तों, आप इन सितारों की इस दर्द भरी कहानी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।